दिल पुकारे आरे 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 लग जा गले दिल दुबा कहाँ रोक के चली ओ तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी रे प्यार का आसरा चाहता हूँ वफा कर रहा। इस फिल्म पर तब देश भर में बवाल मचा था। लोग चाहते थे कि सिनेमा हॉल्स में यह फिल्म नहीं दिखाई जाए। जब भी अकेली होती हूं, तो चुप कैसे। उस विरोध और बहिष्कार के कारण वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और कुछ समय बाद लोग उस फिल्म को भूल भी गए, लेकिन उस फिल्म में मोहम्मद रफी के गाए हुए गाने आज भी चल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट इस बारे में आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। बस आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इन दिनों सामाजिक अथवा राजनीतिक मुद्दे अथवा धार्मिक भावना को लेकर फिल्मों के बहिष्कार का ट्रेंड चल पड़ा है। पिछले कुछ समय से फिल्मों के बॉयकॉट की प्रवृत्ति अधिक ही देखी जा रही है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, इसका भी अपना एक इतिहास रहा है। हाँ, आजकल यह फैशन बन गया है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के कारण बॉयकॉट या बहिष्कार आसान हो गया है, लेकिन आज से 50-60 साल पहले यह इतना आसान नहीं था। पर फिर भी उस समय एक फिल्म को लेकर खूब हंगामा मचा था। यह फिल्म थी धर्मपुत्र, जो कि 1961 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म पर तब देश भर में बवाल मचा था। लोग चाहते थे कि सिनेमा हॉल्स में यह फिल्म नहीं दिखाई जाए। यही वजह है कि जब यह फिल्म रिलीज हुई तो देश भर के काफी हिस्सों में सिनेमाघरों के बाहर हंगामा और उपद्रव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। धर्मपुत्र का निर्माण बीआर चोपड़ा ने किया था और इसका निर्देशन बीआर चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा ने किया था। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनने वाली यह दूसरी फिल्म थी। इसके ठीक 2 साल पहले 1959 में यश चोपड़ा ने फिल्म धूल का फूल का निर्देशन किया, जिसका निर्माण भी बीआर चोपड़ा ने किया था। रे प्यार का आसरा चाहता हूं, वफा कर रहा। आपको बता दें कि बीआर चोपड़ा नवा शहर से थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से अंग्रेजी में एमए किया था और लाहौर में ही पत्रकारिता करते थे। विभाजन के बाद उन्हें लाहौर से भागकर भारत आना पड़ा था। पहले वह दिल्ली आए और फिर वहां से मुंबई। मुंबई में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाया और कई फिल्में बनाई। कहते हैं कि 1954 में उनकी फिल्म चांदनी चौक इतनी चली थी कि इस फिल्म से हुई कमाई से उन्होंने सन 1956 में एक फिल्म निर्माण कंपनी ही बना डाली। जिसका नाम रखा बीआर फिल्म्स। बीआर चोपड़ा पत्रकार थे। उन्होंने विभाजन की विभीषिका देखी थी और इसकी त्रासदी भी झेली थी। यही वजह है कि साल 1957 में नया दौर जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने के बाद उन्होंने एक ऐसे विषय को लेकर फिल्म बनाने की सोची जो कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा दे। यही सोचकर उन्होंने साल 1959 में बीआर फिल्म्स के बैनर तले एक फिल्म बनाई, जिसका नाम रखा था धूल का फूल। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद। इस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी दी अपने छोटे भाई यश चोपड़ा को, जिन्होंने फिल्म नया दौर के लिए सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया था। धूल का फूल बतौर डायरेक्टर यश चोपड़ा की पहली फिल्म थी। तुझे पास से देखना चाहता हूं। धूल का फूल फिल्म में थे राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, नंदा, अशोक कुमार और मनमोहन कृष्ण। फिल्म का संगीत दिया था संगीतकार एन दत्ता ने और इसके गाने लिखे थे शायर साहिर लुधियानवी ने। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। फिल्म की कहानी यह है कि राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा के कदम बहक जाते हैं। नतीजा ये होता है कि माला सिन्हा गर्भवती हो जाती हैं। उधर राजेंद्र कुमार माला सिन्हा की बजाय एक दूसरी लड़की
नंदा से शादी कर लेते हैं। अब गर्भवती माला सिन्हा एक संतान को जन्म देती हैं, जो कि समाज के हिसाब से नाजायज है। आखिर समाज और लोक लाज के भय से माला सिन्हा अपने नवजात शिशु को जंगल में छोड़ आती हैं, जहां से मनमोहन कृष्ण उसे अपने घर ले जाते हैं। मनमोहन कृष्ण उसे बड़े प्यार से अपने बच्चे की तरह पालते हैं। फिल्म में मनमोहन कृष्ण के पात्र का नाम अब्दुल राशिद है। इस फिल्म में भाईचारे का संदेश देने वाला एक गाना है, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। इस गाने को आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने। हालांकि फिल्म में तो यह गाना महज एक गाना ही था, लेकिन फिल्म के बाहर यह गाना आपसी भाईचारे का प्रतीक बन गया। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब। इस फिल्म में मनमोहन कृष्ण को अपनी भूमिका के लिए 1960 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। धूल का फूल का थीम बोल्ड था। कहानी बिन ब्याही माँ बच्चे और समाज की थी, लिहाजा फिल्म चली अच्छी और लोगों ने इसे खूब सराहा। तब कहा गया कि आपसी भाईचारे पर इससे ज्यादा बेहतर और कोई फिल्म अब तक नहीं बनी। बी आर चोपड़ा की यह फिल्म सामाजिक भी थी और राजनीतिक भी। धूल का फूल की सफलता से बी आर चोपड़ा उत्साहित थे, इतना कि 2 साल बाद 1961 में उन्होंने फिर इसी विषय पर एक और फिल्म बना डाली। इस फिल्म का नाम रखा धर्मपुत्र। इस फिल्म में थे शशि कपूर और माला सिन्हा। शशि कपूर की बतौर एक्टर ये पहली फिल्म थी। मनमोहन कृष्ण भी इस फिल्म में थे। धर्मपुत्र की कहानी भी धूल का फूल से मिलती जुलती थी, केवल पात्र अलग थे। यह फिल्म आचार्य चतुरसेन के उपन्यास पर आधारित थी। यह फिल्म ब्रिटिश राज के दौरान भारत के विभाजन से पैदा हुए सांप्रदायिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में बनी, जिसमें शशि कपूर ने वयस्क एक्टर के तौर पर पहली बार काम किया, जिसमें उन्होंने एक हिंदू कट्टरवादी की भूमिका निभाई थी। हमें अपनी भारत माता को इन गुलामी की जंजीरों से आजाद करना है। दोस्तों, भारत माता का नाम लेकर एक बार। फिल्म में शशि कपूर के अलावा माला सिन्हा, रहमान, मनमोहन कृष्ण और इंद्राणी मुखर्जी आदि की भूमिकाएं हैं। फिल्म की कहानी यह है कि जावेद और हुस्न बानो प्यार में पड़ते हैं और शादी से पहले बच्चा हो जाता है, और इस बार भी वही समस्या पैदा होती है। समाज के हिसाब से इस नाजायज बच्चे को पालेगा कौन? चारों तरफ विभाजन की आंख थी। आखिर बच्ची को एक घर मिलता है, लेकिन इस बार धर्मपुत्र में बी आर चोपड़ा ने बच्ची का घर बदल दिया और पालने वाले का नाम भी। फिल्म धूल का फूल में बच्चा पालने वाले का नाम था अब्दुल राशिद। फिल्म धर्मपुत्र में बच्चा पालने वाले का नाम था डॉक्टर अमृत राय और सावित्री राय। पति पत्नी मिलकर इस बच्चे को बड़ा करते हैं। बच्चा बड़ा होता है, लेकिन उसकी सोच में भाईचारा नहीं बल्कि नफरत होती है। इस फिल्म में भी गाने लिखे थे शायर साहिल लुधियानवी ने और इसमें संगीत दिया था एन दत्ता ने। इसमें एक गाना था, वो दिलवर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो, ये दिल दीवाना मचल गया। ओ मेरे दिलवर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो यह गाना खूब चला। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने। इस फिल्म में मोहम्मद रफी साहब ने आशा भोसले के साथ एक और गाना गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह वही गीत है जिसे इकबाल ने लिखा था। फिल्म के बाकी 5 गानों को महेंद्र कपूर ने गाया, जबकि 3 गानों को आशा भोसले ने गाया। धर्मपुत्र फिल्म बन गई और रिलीज भी हुई, लेकिन धर्मपुत्र की कहानी को लोग स्वीकार नहीं कर पाए, फिल्म रिजेक्ट कर दी गई। उस दौरान होता ये था कि जब कोई फिल्म देखने पहुंचता तो वहां हंगामा मच जाता और उपद्रव जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। कई शहरों में कमोबोश ऐसा ही हुआ और फिर आखिर वही हुआ जो होना था। फिल्म धर्मपुत्र बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अगर कुछ चला तो बस मोहम्मद रफी का यह गाना। दिल दीवाना जो ये दिल दीवाना मचल गया। हालांकि धर्मपुत्र को हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था, लेकिन फिल्म धर्मपुत्र की व्यवसायिक असफलता के बाद यश चोपड़ा ने राजनीतिक या सामाजिक फिल्म बनाने से तौबा कर लिया और इसके बाद कोई भी राजनीतिक या सामाजिक फिल्म नहीं बनाई। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में
मैं फिर फिल्मों, गीतों या फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी।